टेम्पो लगे निघणार आहे. गदा ने आमची ना गदा. इस बार देखिए अच्छी गेंद, पहली गेंद अच्छी गेंद थी ये. हल्के हाथ से गेंद को कट कर दिया, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक रन मिलेगा. आज पहला अपन छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मोठ्या उत्साहाने साजरी करतो आहे. नक्कीच छत्रपति शिवाजी महाराजांना आपण मानाचा मुजरा करूया. इतिहासाच्या पानावर, रयतेच्या मनावर, मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या मनावर राज्य करणारा राजा म्हणजे राजा शिवछत्रपती. जाणता राजा शिवछत्रपती. सुरेख चेंडू या ठिकाणी आपण पाहतोय. गोलंदाज बॉलिंग पार्क वरती अजिंक्य. देखिए सेकंड राउंड का यह पहला मुकाबला जामरुंग बनाम अंजुनू के बीच में. तेज तरार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अंजुनू के अजिंक्य. इस बार देखिए खेला, इस बार गेंद को गेंद जा रहे हैं सुपर कवर में. गेंद का पीछा करते हुए दो खिलाड़ी, क्या गेंद रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं, गेंद जाएगी सुपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए. अनिरुद्ध खांडेकर का ये पहला छक्का आता हुआ. पिछले मुकाबले में देखा था तो नाखुश कर दिया था घर के जमीन पर, घर के मैदान के ऊपर. तो इस बार ये छक्का आता हुआ. टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर चार रन, पांच रन. रिवर्स, इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है, गेंद जा रही है इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, छह रन. कमाल की बल्लेबाजी, जिस तरह से बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में. अमोल पाटिल ने उसी हिसाब से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए अनिरुद्ध खांडेकर. टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन. देखिए साहिल, पिछला मुकाबला हुआ था 70 रन जड़ दिए थे बल्लेबाजी करते हुए भीड के खिलाफ जामरुंग के बल्लेबाजों ने, और उसका नतीजा यह निकला कि केवल 30 रन भी नहीं बना पाई भीड़ की टीम. इस बार देखिए घुटने टेक, तमाशा देख, डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. अंपायर का इशारा ना बाकी चार रन. पंद्रह रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. विनंती असेल हॉलंडियस दीपक तांडेल आपण देखील या, सामना चांगला आहे, यावं लागेल. हॉलंडियस आहे आपले, या तुम्ही या. सचिन तांडेलने आवाज दिला तुम्हाला, या तुम्ही प्लीज. दीपक तांडे आपण पाहतोय या चार दिवसामध्ये चांगली कॉमेंट्री या ठिकाणी केली आहे, त्यांना विनंती असेल की आपण या. हॉलंडियस आपल्याला भरपूर आहेत, या तुम्ही प्लीज, तुमची या ठिकाणी गरज आहे, या प्लीज. टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन. अजिंक्य तैयार. इस बार देखिए कमाल का स्ट्रोक, जबरदस्त शॉट, छह रन. और टोटल बनता हुआ 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. देखिए आज प्रशांत खांडेकर साहब का जन्मदिन है. जन्मदिन के अवसर पर जामरून टीम यही चाहती होगी कि एक सुनहरा मौका है, इससे बेहतरीन देखिए इससे बेहतरीन तोहफा नहीं दे सकते ये खिलाड़ी, क्योंकि प्रशांत खांडेकर खुद कप्तान है गावदेवी जामरुंग के. ये खिलाड़ी यही चाहते होंगे कि भाई इससे बड़ा तोहफा हम प्रशांत खांडेकर साहब को नहीं दे सकते. अपनी टीम को क्वालिफाई करना चाहेंगे फाइनल में, ये सोच कर आए होंगे ये खिलाड़ी गावदेवी जामरुंग के. सोच बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सोच. यहाँ पर पहले मुकाबले में देखा 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर,
43 रन बनाए अमोल पाटिल ने, मैन ऑफ द मैच बने थे पिछले मुकाबले के। अब यहां पर टोटल बन चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। एक ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। अनिरुद्ध खांडेकर खेल रहे हैं निजी अपने 20 रनों पर। मेरे साथ ही स्कोरर यहां पर बैठे संदेश पाटिल, उनका भी यहां पर दिल से स्वागत करना चाहूंगा। अब दूसरा ओवर फेंकेंगे गेंदबाज निखिल, सामने बल्लेबाज अमोल पाटिल। फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला, गेंद जा रही है स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, बाउंड्री लाइन को चीरती हुई गेंद गई 4 रनों के लिए। ये जलवा है, जज्बा है, ये हुनर है इस खिलाड़ी का। सदानंद पाटिल ऐसे ही नहीं कहते कि भाई हमारा बच्चा अगर छोटे कद का क्यों ना हो, लेकिन ऊंची देखिए मैदान के अंदर, आसमान को छूती हुई ये ऊंची है अमोल पाटिल की। गेंदबाज तैयार निखिल, इस बार देखिए स्टंप के थोड़ी सी बाहर ये गेंद, लेग स्टंप और मिडल स्टंप के ऊपर से ये गेंद जाती हुई डॉट बॉल, टोटल वहीं पे रुका हुआ 25 रनों पर। यकीनन बिल्कुल यहां पर वापसी की है गेंदबाज निखिल ने, तारीफ करना चाहूंगा निखिल की। इस बार देखिए गेंद को खेला है स्क्वायर लेग पर, वहां पर खिलाड़ी कोई भी तैनात नहीं है, गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन, 29 21 धावा। उपसरपंच ट्रॉफी 2024 का यह घमासान, ऑर्गेनाइजर खुद उपसरपंच सचिन तांडेल साहब का यह, अशोक पाटिल साहब भी यहां पर आए हैं इस मैदान के मालिक, उनका भी हम यहां पर स्वागत करना चाहेंगे। अशोक पाटिल साहब आइए, इस बार देखिए रिवर्स एडम करना चाहते थे, कैच नहीं छोड़ा, ये मैच छोड़ा है, गेंद जाएगी डीप थर्ड मैन, अंपायर का इशारा बाकी है, अच्छी फील्डिंग शायद वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग, दो रन आसानी के साथ यहां पर पूरे किए अमोल पाटिल और अनिरुद्ध खांडेकर ने। टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन। दीपक दांडेल साहब भी यहां पर आ चुके हैं, मराठी के कमेंटेटर्स। जुगलबंदी आपकी होगी साहिल और आपकी इस मुकाबले के बाद, मौका जरूर आपको मिलेगा। दीपक तांडेल साहब आप यहाँ पर आइए, इस बार देखिए गेंद को खेला है लॉन्गान पर, वहाँ पर अजिंक्य तैयार है, अजिंक्य मिसफील्ड नहीं करते, लेकिन देखिए थ्रो अच्छा था या नहीं, बिल्कुल था। एक रन मिलेगा, इस एक रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन, 32 रन ऑन स्कोर बोर्ड। गावदेवी जामरूंग नो लॉस। साहिल देखिए घर के मैदान पर अगर आप खेलते हैं ना, घर के ज़मीन पर आप खेलते हैं, तो इस तरह का खेल होना चाहिए। जो खेल आज खेल रही है गावदेवी जामरूंग की खिलाड़ी, तारीफ करना चाहूँगा मैं। फुल टॉस गेंद, स्टेयर कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है इस बार डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। आज नहीं भाई, आज बड़ा तोहफा देना चाहते हैं प्रशांत खांडेकर साहब को। पानी दे, पानी मैदान पर। आज बड़ा तोहफा देना चाहते हैं यहाँ पर प्रशांत खांडेकर साहब को, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती सुद्धा आज आहे, आणि आज हा मोठा तोहफा या ठिकाणी देना देता है फलंदाज गावदेवी जांबरुंगचे प्रशांत खांडेकर साहेबांना। तर नक्कीच जेवढी प्रशंसा करावी तेवढी कमी आहे प्रशांत खांडेकर साहेबांची, जे सरपंच आहेत जांबरुंगचे, आणि त्यांचा आज वाढदिवस आहे। तर नक्कीच आपण लाख लाख शुभेच्छा देऊया प्रशांत खांडेकर साहेबांना, आणि या शुभेच्छा देत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये त्यांचे खेळाडू। तर अजून काय पाहिजे प्रशांत खांडेकर? प्रशांत खांडेकर नक्कीच खुश असणार आहे की अजून मला काही नको आहे, हा आम्ही आज फायनलमध्ये पोहोचलो, त्यापेक्षा काय काय हवं आहे मला, हे नक्कीच प्रशांत खांडेकर मनामध्ये रुजत असतील। जाऊया मैदानावरती, धावसंख्या झाली धाव फलकावरती ती 36। साहिल देखा जाए तो दो ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है, 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। प्रति ओवर में 18 की औसत से यहां पर रन बनाए हैं।
तीसरा ओवर फेंकेंगे गेंदबाज ओमकार अंजुन के गेंदबाज, लेकिन यहां पर वापसी करनी होगी अंजुन के गेंदबाजों को। यहां से बल्ला बिल्कुल बांध के रखना होगा बल्लेबाज अमोल पाटिल और अनिरुद्ध खांडेकर का। ये कारनामा करके दिखाना होगा अंजुन के गेंदबाज ओमकार को। सामने है बल्लेबाज अमोल पाटिल, काफी खतरनाक खिलाड़ी। इस बार देखिए ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर। सूरज लोभी बाहर निकल चुके हैं, व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ। सूरज लोभी ने जामरू के लिए भी बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन आप सूरज लोभी जामरू के ऐसे वैसे नहीं, सूरज लोभी जामरू के दामाद भी बन चुके हैं। ये एक खासियत है जामरू की, एक बड़ा खिलाड़ी। इस बार देखिए क्या एज लगा था, क्या एज लगा था। रुके थे वहां पर अमोल पाटिल, बिल्कुल एज लगा था। अपील हुई थी वहां पर कैच की, लेकिन एक रन यहां पर मिलता हुआ। इस एक रन के साथ टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन ऑन स्कोर बोर्ड गांव देवी जामरूंग विदाउट लॉस। कमाल की बल्लेबाजी, ओमकार तैयार बोलिंग मार्क पर। रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, पूरी तरह चूके वहां पर अनिरुद्ध खांडेकर। बिल्कुल ये पहली गेंद डॉट हो चुके हैं। संदेश पाटिल यहां पर स्कोरर मेरे को बता रहे हैं कि भाई ये पहली गेंद डॉट हो चुके, पहली गेंद के ऊपर चौवा छक्का चौवा छक्का चौवा। और ये गेंद भी जाएगी एक टिप्पा खाने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन। 42 धावा धाव फलका भरती। साहिल देखिए अंजुन भी कुछ कम नहीं है, अंजुन भी कुछ कम नहीं है। जितने रन बनाओगे उसका पीछा करने में माहिर है अंजुन के बल्लेबाज। इस बार गेंद को खेला है स्वीपर कवर बाउंड्री के ऊपर से गेंद जाएगी। अंपायर का इशारा ना बाकी 6 रन। क्या बात है, कमाल की बल्लेबाजी। अनिरुद्ध खांडेकर के बल्ले से आता हुआ यह छक्का, बिल्कुल एक भी सिंगल रन नहीं निकाला अनिरुद्ध खांडेकर ने। यह खासियत है अनिरुद्ध खांडेकर की, क्योंकि ये घर का मैदान है, घर के जमीन पर खेल रहे हैं भाई। इक्के दुक्के से नहीं, पूरे 6 चौके से ये माहौल ऐसा खड़ा कर दूंगा मैदान के अंदर कि दुनिया देखती रह जाएगी। इस बार भी देखिए ये भी गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, छा गए मैदान के अंदर। वाह भाई वाह, 54 रन 54 54 धावा धाव फलका भरती। आज नहीं रोक पाओगे आप, क्योंकि ये तोहफा देना चाहते प्रशांत खांडेकर साहब को जन्मदिन के अवसर पर। अजिंक्य ने गेंद को उठाया फेंका, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 55 रन 55 धाव धाव फलका भरती। बिल्कुल ये पहला सिंगल आता हुआ अनिरुद्ध खांडेकर के बल्ले से। अपने निजी 41 रनों पर खेल रहे बल्लेबाज अनिरुद्ध खांडेकर, बेहतर बल्लेबाजी। यहाँ पर आधा शतक बनाने का मौका यहाँ पर आता हुआ बनता हुआ अनु के लिए। 9 रन केवल पीछे है आधा शतक से। गेंदबाज तैयार सुमित। ये गेंद अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर, वहां पर फंबल होते हुए खिलाड़ी फील्डर 2 रन चुरा लिया आसानी के साथ। टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 57 रन। और अनिरुद्ध खांडेकर खेल रहे अपने निजी 43 रनों पर। इस बार देखिए कट कर दिया गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में, एक रन चुरा लिया, दूसरे रन का प्रयास और 2 रन खतरा हो सकता है। बिल्कुल नहीं, 2 रन आसानी के साथ यहां पर पूरे किए। इन 2 रनों के साथ टोटल बनता हुआ जामरूंग टीम का
59 रन और अनु खेल रहे अपने निजी 45 रनों पर, केवल 5 रन दूरी पर एक बड़ा हिट 50 पूरे। देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था, डांसिंग ग्राउंड खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंदबाज काफी होशियार है, जाना था कि ये बल्लेबाज आगे माना आने वाला है, थोड़ी सी गेंद को पीछे किया, ये डॉट बॉल, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 59 रनों पर। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच, ये मल्टी हिट बिग हिट 6 रन और इसी के साथ 50 पूरे हुए हैं। बैट दिखाए भाई, बैट दिखाए अपनी, और तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का खेल खेला है आज घर के मैदान पर, घर के जमीन पर। ये पहला 50 इस टूर्नामेंट का, ये पहला 50 उप सरपंच चौहान ट्रॉफी 2024 का। ये 50 किसी ने बनाया है तो उसके ऊपर नाम लगेगा, अनिरुद्ध खांडेकर। क्या बात है, इससे बड़ा तोहफा प्रशांत खांडेकर आपको क्या होगा भाई, आपके जन्मदिन के अवसर पर। इस बार देखिए बेहतरीन शॉट, हवा में गेंद है, बेहतरीन कैच वहां पर, लाजवाब कैच, कमाल का कैच, तारीफ करना चाहेंगे हम उस खिलाड़ी की, बेहतरीन कैच। कवर में क्या कैच लपका है फील्डर ने, बेहतरीन, टोटल वहीं पे रुका हुआ। डबल सिक्स 66 रन, 66 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, जीतने के लिए चाहिए 67 रन। इसके बाद माइक्रोफोन पर आएंगे मेरे साथी कमेंटेटर्स दीपक तांडेला और